कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के ठीक पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कांग्रेस के ही बड़े नेताओं पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चिट्ठी लिखी है, दरअसल वो निजी स्वार्थ में ये कर रहे हैं। और अनिल चौधरी ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं हाल के दिनों में इन नेताओं ने बीजेपी की नीतियों को लेकर जिस तरह के बयान दिए, उससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ी साजिश है और इसके पीछे भाजपा के साथ उन बड़े नेताओं का साठगांठ है। एक बड़ा बयान और बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने, और ये कहा है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी बड़े मुद्दों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से आमना सामना किया है। ऐसे में कांग्रेस के ही नेताओं के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम चलाना दरअसल एक भाजपा की साजिश है और इन बड़े नेताओं का निजी स्वार्थ है। सवाल इस बात का है कि जिन नेताओं ने ये चिट्ठी लिखी, कहीं ना कहीं उनका जो निजी स्वार्थ है वो सर्वोपरि दिखता है। आज समय है कांग्रेस को मजबूत करने की, लेकिन जहां पे इस तरह के लोग पत्र लिखते हैं, साइन करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिनको लगातार कांग्रेस के अंदर उच्च पदों पर नियुक्तियां मिलती रही है। कहीं ना कहीं भाजपा जैसे जो विपक्षी दल हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदेह में आती है। कुछ लोगों का उनके लिए लगातार इस तरह के बयान में सपोर्ट करना ये व्यक्त करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने की एक कोशिश है और एक प्रयास है।